हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मजा सर, आप लोग भी साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से समझ साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो यह प्रश्न है साथियों, अगर देखा जाए तो यह है क्या है, प्रैक्टिस सेट टू है। हालांकि इसके पहले हम और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला आप लोगों के बीच फिर स्टार्ट किया हूँ, तो जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट पार्ट देख चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर जो होता है हम लोग पाँच देख चुके हैं, कितना ओ सॉरी एक देख चुके हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है टू है, कौन सा है, टू सेट है, कौन सा है, टू सेट प्रैक्टिस है। ठीक, तो आज हम लोग दूसरा देखेंगे। तो इसमें हमको 125 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों, तो 125 क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट पेपर टू है। तो जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के सामने रहेगा, इसमें हम जो आंसर होगा उसी आंसर को ही बताते फटाफट चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है साथियों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, विलंब न करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया है। नया उत्तर प्रदेश जो हिंदी संस्थान ने कला क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 का किसको दिया है। राजेंद्र पुंडीर को, सीताराम कश्यप को, जयकृष्ण अग्रवाल को या राजेंद्र प्रसाद को। तो चारों में देखिए किसे दिया गया है, तो चारों में जो दिया गया है ये आपका राजेंद्र पुंडीर वाल को दिया गया है। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि क्या है। ना ललित कला अकादमी में विजेता को वार्षिक कला प्रदर्शनी के रूप में क्या दिया जाता है, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये या आपका हो जाएगा 75,000 रुपये। तो कितना रुपए दिया जाता है साथियों, तो यहाँ पे जो दिया जाता है आपको वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1,00,000 रुपये दिया जाता है। तीसरा है पुजारी औरतें 1929 टेम्परा किसका चित्र है। राजा रब्बर वर्मा, सरोज मुखर्जी, रामकिंकर बैज, यामिनी राय। तो तीन नंबर देखिए तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डी बनेगा, यामिनी रंजन राय की। सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती जो 1968 में सिरेमिक रिलीफ कहाँ संग्रहित है। सतीश गुजराल की जो शिव पार्वती की मूर्ति साथियों कहाँ है, चंडीगढ़ म्यूजियम, चंडीगढ़ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा, पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली। तो चार नंबर देखिए तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा साथियों, तो ये जो राइट आंसर होगा चंडीगढ़ म्यूजियम, चंडीगढ़ में था सतीश गुजराल का शिव पार्वती। अगला है द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है। सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है, वेस्ली कैंडिंस्की, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो, यानिस बेंद्रे। पांच नंबर देखिए तो पांच का राइट आंसर क्या बनेगा, सल्वाडोर डाली। अगला है बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन है, बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन है, रब्बर वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, दिलीप दास गुप्ता। तो कौन हो जाएंगे, तो दिलीप दास गुप्ता हो जाएंगे। अगला है 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की। इब्राहिम अलकाजी, के एस कुलकर्णी, अंतर शेरगिल या गीता कपूर। तो सात नंबर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे के एस कुलकर्णी हो जाएंगे। अगला है प्रतिष्ठित अवन गबन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है ना। तो कमेंट करके आप बताएंगे कि 125 वीडियो 125 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है, तो किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी हो पाई है ना। तो बताइए आठ नंबर पर, तो आठ नंबर पर जो आपका राइट आंसर होगा विश्व भारती शांत निकेतन। प्रतिष्ठित अवन गवन जो पुरस्कार किस कला के द्वारा दिया जाता है, तो विश्व भारती शांत निकेतन के द्वारा। काले और सफ़ेद रंग के साथ जयंती अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार कौन है, नीलमा शेख, नसरी मोहम्मदी, मृणाली मुखर्जी या अनुपम सूद। तो कौन हो जाएंगे नौ नंबर पे, यहाँ पे नसरीन मोहम्मदी। अगला है जर्नी ऑफ द स्टेट लाइन एन एक्सपोजिशन ऑफ सहनीज ड्राइंग क्रिएटिविटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो 10 नंबर देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो राइट आंसर होगा डॉक्टर यश भाटी हो जाएंगे। अगला है किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी, किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी, विवान सुंदरम, जय झरोटिया, गुलाम मोहम्मद शेख, ही रामचंद्रन। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे 11 नंबर, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ए विवान सुंदरम हो जाएंगे। अगला है
एथनिक आर्ट का संबंध है, एथनिक आर्ट का संबंध है। तो एथनिक आर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 नंबर में किससे हो जाएगा, तो पुरातन कला से। अगला है, किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेला गिब्सन को चित्रित किया है, ना अमेरिकी अभिनेता थे जो मेला गिब्सन को चित्रित किया है। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा आपके, यहाँ पे सी हो जाएगा, अमृता कौर रविंद्र कौर। अगला है आपका, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा आपका, लंदन दिल्ली रोम पेरिस, कहाँ हो जाएगा, तो लंदन में था इंडिया ऑफिस। अगला, एक ऐसे मूर्तिकार जिनका कला से प्रेरणा पाकर तो 15 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बी हो जाएगा, हिम्मत शाह। अगला है, हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्ति शिल्प किसने बनाए हैं, तो किसने बनाए हैं साथियों, यहाँ पे जो बनाए हैं तो हिम्मत शाह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हिम्मत शाह। अगला है, कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा ही शौक था, कौन सा कलाकार था जिसे डायरी लिखने का बहुत बड़ा शौक था, तो चारों ऑप्शन देखिए, प्रदोष दासगुप्ता, नसरीन मोहम्मदी, भूपेन खाकरे, विवांश सुंदरम। तो किसे शौक था डायरी लिखने का, नसरीन मोहम्मदी को डायरी लिखने का बहुत बड़ा शौक था। समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर हैं, तो कैसे धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन जाने जाते हैं, विवांश सुंदरम, गोगी सरोजपाल, अंबा सन्याल, शेखर गुरेरा, तो कौन थे, तो शेखर गुरेरा हो जाएंगे। एकला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 जल रंग के चित्रकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो यमियाप हुसैन हो जाएंगे। अगला है, आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूर जहां ने 1628 में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में बनाया था, कहाँ का था, तो आगरा का था, ध्यान देना है। तो इत्मुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, ताजमहल का, या कोई नहीं, तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा, तो इत्मुद्दौला का मकबरा था, इसके पिता का मकबरा था जिसे नूरजहां ने 1628 में बनाया था। भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे, कृष्ण खन्ना, या मैं सूजा, ग्राउज वर्मा, या सी एस रजा, तो कौन थे, तो या मैं सूजा थे। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था, निहाल चंद, मौलाराम, मनको, नयन सुख, तो 22 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नयन सुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन सुख। अगला है आपका, वह दादावादी यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज व कोलाज में प्रयोग किया, ना तो कौन थे साथियों, तो जो थे आपके मार्क आंसर थे, कौन थे, मार्क आंसर। अगला है, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो जहांगीर सावा वाला को। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को पुनः मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, 25 देखिए, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एल श्रीवास्तव जाएंगे। अगला है, सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिल्क स्क्रीन, किसके लिए, सिल्क स्क्रीन के लिए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, कौन सा एक मुगल शासक जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो चारों में देखिए आप लोग कमेंट करते रहेंगे, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, तो कौन था, तो औरंगजेब था जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, जो बीबी का मकबरा किसने बनवाया, हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय, या औरंगजेब, तो बीबू का मकबरा कौन बनवाएगा, तो औरंगजेब द्वारा बनवाया था, उसकी बीवी का मकबरा था, जिसे ताजमहल का पोहर नकल भी कहा जाता है। फिलिपो तोमसो मनोरथी कौन थे, तो देखिए कौन थे साथियों, ये भविष्यवाद का जो घोषणा पत्र के निर्माता माने जाते हैं, फिलिपो तोमसो मनोरथी। लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया, लखनऊ में जो इमामबाड़ा इसका निर्माण करने वाले कलाकार कौन थे, तो नवाब आसफुद्दौला थे। निर्माणाधीन लघु फिल्म खाली कैनवास जिसके निर्देशक राकेश गोस्वामी हैं किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है, तो कौन से कल किसके ऊपर आधारित है, तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के ऊपर यह आधारित है। सेकंड हैंड टाइल चित्र किसका है,
सेकंड एक्ट क्या है? सेकंड एक्ट किसका तैल चित्र है? तैल माध्यम बना है, चित्र हो जाएगा यम एफ हुसैन का। यम एफ हुसैन ने द हार्स दैट रेड 100x75 सेंटीमीटर किस माध्यम में बनाया था? टेम्परा, एक्रेलिक, तैल या जल? किस माध्यम बनाए थे? ये तैल माध्यम में है। कृष्णा रेड्डी के बाद एक एटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन है? तो सबसे पहले कृष्णा रेड्डी कर चुके, इनके बाद 17 एटेलियर में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन है पूछ रहा है, तो कवल कृष्ण थे। ब्लू नाइट तैल के चित्रकार कौन है? ब्लू नाइट तैल रंग में बना हुआ चित्र है, तो इसके चित्रकार चारों में से देखिए कौन है, तो 35 नंबर देखिए, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला है, द स्टेजर तैल शीर्षक चित्र किसने बनाया है? कृष्ण खन्ना, सोमनाथ और यम एफ हुसैन, पाल किली, तो 36 नंबर देखिए, तो 36 का राइट आंसर क्या बनेगा? कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। अगला है, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में प्रकाशित किया, तो कौन सा था यहाँ पे? 37 नंबर देखिए, तो उत्तांड मार्तांड था ना। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र था है, जिसे कानपुर के निवासी जुगल किशोर ने इसे बनवाया था, छपवाया था। गगनेंद्रनाथ टैगोर क्या करा है? गगनेंद्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? गगनेंद्रनाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र हैं किस तकनीक के हैं? चारों में देखिए किस तकनीक के हैं, तो स्याही रेखा चित्र के हैं। रिवेवरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन है, तो किसके द्वारा बनाया गया है? नली मलानी, प्रवीर गुप्ता, विवान सुंदरम या मियाँ हुसैन, तो 39 नंबर देखिए, किसके द्वारा बनाया गया है? प्रवीर गुप्ता द्वारा। उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं साथियों? तो ये भैलसा में है। कहाँ पे है? भैलसा में। प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा किसका है? प्रसिद्ध चित्र मेघदूत जो टेम्परा बनाया गया किसका है, तो किसका हो जाएगा? राम गोपाल विजय वर्गीय का मेघदूत है। पवित्र परिवार टेम्परा किस कलाकार का चित्र है? पवित्र परिवार टेम्परा माध्यम है किस कलाकार का चित्र है, तो 42 में देखिए किस कलाकार का हो जाएगा? ये हो जाएगा नित्यानंद महापात्रा का। अगला है, गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 43 देखिए, तो कब हो जाएगा इनको मिला था? तो ये 1913 में मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के पुरस्कार 1913 मिला था। द्वारका प्रसाद की पेंटिंग हार्स 90x150 सेंटीमीटर किस माध्यम में बनी है? तो माध्यम इसका क्या है? तो तैल माध्यम है। प्रशिक्षित अभिसारिका 9x2x6x4 सेंटीमीटर किसका है? तो अभिसारिका जो चित्र है किसका है साथियों? तो किसका हो जाएगा? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है? कौन सा माध्यम जिसमें रोगन करना अनिवार्य होगा? तो आपके सामने है, तो देखिए किस माध्यम में, तो तैल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य होता है। प्रसिद्ध मूर्तशिल्प क्राइज अनहर्ड के मूर्तकार कौन है जो 1958 में बनी थी? तो अमरनाथ सागल है। कौन है? अमरनाथ सागल। किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने एटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? चारों में देखिए कौन है, तो कृष्ण रेड्डी हो जाएंगे। ब्राइट टॉयलेट वधु का श्रृंगार किसने बनाया? वधु का श्रृंगार तो किसका हो जाएगा? ये अमृता शेरगिल हो जाएगा। अगला है, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प 100x180 सेंटीमीटर 1956 में कृत के कृतकार कौन है? इसके रचना के रचनाकार कौन है? तो 50 नंबर देखिए, तो कौन जाएंगे? यम एफ हुसैन साहब। पिकासो के किस चित्र में मातिस के जो द बिव्र को स्त्री और सेजा के थ्री वाथर्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो कौन सा चित्र था पिकासो का? ये क्या नाम देखिए, तो ये एविनान की सुंदरिया थी। अगला है, लेस डेमाइलेसलेस द एविनान तैल इतना से इतना न 243.7 सेंटीमीटर से लेकर 1907 में चित्रकार कौन थे? तो कौन थे, तो ये पिकासो ही इसके चित्रकार थे। कविता का जन्म के चित्रकार कौन है? कविता के जन्म के जो चित्रकार हैं साथियों, तो के हैबर हैं। कौन है?
के हैबर। अगला है उड़ीसा ललित कला अकादमी की ओर से दिया जाने वाला 2013 का धर्म पद पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? उड़ीसा की तरफ से दिया जाता है पुरस्कार, तो किसे प्राप्त हुए? तो जतिन दास को पुरस्कार प्राप्त हुए। चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन हो जाएगा? यहाँ ऋग्वेद हो जाएगा। अगला है एकलिंग मंदिर 8वीं शताब्दी कहाँ स्थित है? एकलिंग मंदिर 8वीं शताब्दी कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला है जहांगीरकालीन 18वीं शताब्दी का मुगल शैली का संपूर्ण विशेषताओं वाला भारतीय सुंदरी मुगल सुंदरी शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ है साथी ये चित्र? तो भारत कला भवन वाराणसी। एक शिला पर लाल मिट्टी के रंग से चित्र तीन अश्व का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो इसका उल्लेख जो है सरहाट में। सीता बेगड़ा एवं जोगी मारा गुफाएं कहाँ स्थित है? सीता बेगड़ा एवं जोगी मारा जो गुफाएं हैं कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में सीता बेगड़ा जो सीए का सबसे पहला नाट्यशाला माना जाता है। त्रियामी अभयुक्त चित्र होता है, स्पष्ट होता है, क्या होता है? स्पष्ट। मालवा शैली में अंकित सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता को अग्निदेव के स्वीकार करते हुए 1660 में कागज पर टेम्परा चित्र कहाँ सुरक्षित किया गया है? तो कहाँ सुरक्षित किया गया है साथियों? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पड़ेगा? राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है। कनिष्क कपूर जिसे कानिसपोर्ट नाम भव्य एवं विशाल नगर का निर्माण भी कहा जाता है, तो है यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा? कनिष्कपुर उदयन अशोक कनिष्क किसके द्वारा बनाया गया? बस आया गया 62 पे देखिए, ये कनिष्क हो गया। अगला है भारत के प्रथम चित्राचार्य इन चारों में से कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन को माना जाता है। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ से शुरू हुई? प्रथम तकनीकी छपाई 64 ये गोवा से था। ग्वार्निका 1937 जिसे आज संभवतः दुनिया की सबसे लोकप्रिय कलाकृति मानी जाती है के कलाकार कौन है? वान गॉग, लियोनार्डो, पिकासो, सेजान। 65 कौन हो जाएंगे? तो पिकासो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिकासो। ग्वार्निका पिकासो की थी। अजंता गुफा से एक विश्व प्रसिद्ध बोधसत्व पदार्पण के चित्र की तुलना किस यूरोपीय कलाकार की कृतियों से की गई है? गुफा संख्या एक का जो विश्व प्रसिद्ध बोधसत्व का चित्र था उसकी तुलना किससे की गई है साथियों? यूरोपीय कला, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, ड्यूरर। किससे की गई थी? माइकल एंजेलो से। हस्ती समूह का चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है? हस्ती समूह का चित्र 67 क्या हो जाएगा? तो गुफा संख्या 10 से। द मैडोना ऑफ द ब्रुक्स वर्जिन एंड चाइल्ड मार्बल मूर्ति के मूर्तकार कौन है? माइकल एंजेलो, रोदा, ग्रिलैंडियो, वेरेची। 68 माइकल एंजेलो। द क्राइंग लीडर 1989 के किसका समीक्षाकार चित्र है? 69 देखिए तो किसका हो जाएगा? तो रामचंद्र शुक्ल का था। किस शैली में स्याह कलम चित्रों का विकास प्रचलन हुआ है? ईरानी, फारसी, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी। 70 क्या हो जाएगा? मुगल काल में। अगला है शाहनामा की सचित प्रत कहाँ सुरक्षित है? जो शाहनामा है साथियों इसकी सचित प्रत कहाँ सुरक्षित है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है देखिए, तो राइट आंसर आपका जो बनेगा बी हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं संख्या है? एलोरा में कुल कितनी गुफा संख्या है? 35, 36, 34, 38, 40 कितनी है? तो 34 है। एलोरा के किस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 30वीं गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है। नात्रे दम कैथेड्रल जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? लेग्जेमबर्ग में। बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कथक नर्तक जिनकी रुचि चित्रकारी में भी रही है तो कौन है वो? तो बिरजू महाराज थे। द फ्लूट प्लेयर बीड़ा वादक किसका चित्र है? तो किसका चित्र था? तो फ्रांस हाल का।
भारत कला भवन संग्रहालय काशी की स्थापना हुई थी? 77 देखिए कहाँ हुई थी, ये आपकी 1920 में हुई थी। कब? पूर्व प्रधानमंत्री जी जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते थे, तो कौन थे वो पूर्व प्रधानमंत्री? 78 के देखिए तो कौन थे, तो आपके हो जाएंगे विश्व प्रताप सिंह, जिसे पीवी सिंह के नाम से भी जान, पीवी प्रताप बहादुर के नाम से। किस चित्रकार को उसकी कृति राजा राजा की आएगी बारात के लिए जाना जाता है? राजा की आएगी बारात के लिए, तो कौन से इसमें कलाकार हैं साथियों? तो नासिब देखिए, तो यहाँ पे जो राजा की आएगी बारात के लिए जो कलाकार थे, तो ये थे नरेश कपूरिया। कौन थे? नरेश कपूरिया। फोटो प्रभाग भारत सरकार ने देश भर के पेशेवर एवं शौकिया फोटोग्राफर को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की शुरुआत कब की? तो 2010 में। अमिता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग यंग गर्ल 1932 कैनवास पर तैल रंग किसके संग्रह में है? किसके संग्रह में है? तो राष्ट्रीय आंध्रिक कला संग्रह नई दिल्ली के। किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अशोक दिलवाली को। किसे जाना जाता है? अशोक दिलवाली को। प्रकाश विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1941 में। मार्लिन मुंड्रो सेरोग्राफी पेंट, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथ ही एग्जाम की दृष्टि से 2022 के। तो 84 में देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एनडी बरहोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनडी बरहोल। अगला है, बीजापुर स्थित गोल गुम्बद को किसने डिजाइन किया था? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के पास। क्या करेंगे, जो दोस्त अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेते। 85 का राइट आंसर आपका। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट, आपको लगभग 20 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। तो 85 का 20 में क्या हो जाएगा? तो दाबुल यकूत। ढोकरा बीत संबंधित है, ढोकरा बीत किससे संबंधित है? तो ब्रांज से। भारत में बनी पहली फिल्म में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण वर्ष 1931 इसमें किसने किया था? ना? राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म थी जो 1931 में, तो इसका निर्माण किसने किया था पूछ रहा है, तो किसने किया था? दादा साहब फाल्के द्वारा हुआ था। बाहुबली को समर्पित गोमतेश्वर प्रतिमा 981 ईस्वी का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में किसने कराया? 88 किसने कराया? तो चामुंड राय ने। अगला है, सहस्त्र स्तंभ मंदिर 1163 में कहाँ स्थित है? सहस्त्र मंदिर, तो कहाँ जाइए? वारंगल में। दुनिया का 39वां भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है कहाँ जाएगा? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद हो जाएगा। भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के देने के लिए 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? किसे मिला था? रजनीकांत को। किसे मिला था? रजनीकांत जो हीरो है उनको मिला था। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, तो कहाँ पड़ेगा? असम में। लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य कौन हो जाएंगे साथियों? तो ये आपके हो जाएंगे ललित मोहन सेन, पहले अशोक कुमार हल्दर थे। अकबर नामा के सर्वाधिक 117 चित्र किसके संग्रह में है? तो 94 को देखिए किसके संग्रह में है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रह लंदन में। जिन फरिश्ते की कोई परिकथा नहीं होती चित्र श्रृंखला का निर्माण किसने किया है? 95 तो चित्र प्रसाद हो जाएंगे। माइकल एंजलो की मूर्ति पिएता मार्बल की ऊंचाई क्या है? तो 68 सही 1/2 है। द ग्रेट बेब ऑफ कानगांव
वुड ब्लॉक पेंटिंग किस जापानी उकियो एवं आर्टिस्ट द्वारा निर्मित किया गया है? 97 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हाकू शायद हो जाएंगे। भारतीय कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? जो भारतीय कला है उसका सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा सबसे प्राचीन। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से था? सिलेंडर सील का जो संबंध में से किस कला से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया की कला से। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन है? तो कौन सा हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। मशहूर पेंटिंग द डांसर ऑफ एविनान 1907 किसकी है? तो किसका है, पिकासो की है। किसकी रचना थी, पिकासो की। एलोरा प्रसिद्ध है, एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, मूर्त के लिए। राजा वर्मा की मशहूर पेंटिंग शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, कांटा हटाने के बहाना पीछे का ओर मुड़कर देखती हुई महिला। तो 104 का जो ये राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? 105 तो पूर्व हिस्से में लघु चित्रकला थी विकास। इंस्टॉलेशन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के उदाहरण हैं। तो मार्शल थोंसा। जयपुर फ्रेंड्स को चित्रण वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो कहाँ सिखाया जाता है, तो वनस्थली में। रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी, कहाँ पे हुई थी रामकिंकर बैच की कला शिक्षा, तो कला भवन शांति निकेतन में। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? 109 देखिए किसके सिद्धांत थे, तो ये जो सिद्धांत था सिगमंड फ्राइड का था। नीलमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं, तो नीलमा शेख थी उनकी जो कलाकृतियाँ किससे प्रभावित, इन चारों में देख लीजिए किससे प्रभावित थे, तो उपरोक्त सभी से। भारत में पुनरुत्थानवादी स्कूल रिवाइवलिस्ट के जन्मदाता थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1967 ईस्वी में ग्रुप आठ की स्थापना दिल्ली में किसने कराई, किसने कराई थी, तो जगमोहन चोपड़ा ने। कार्तिकेय का वाहन क्या है, तो कार्तिकेय का वाहन देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आंसर आपका, तो मोर हो जाएगा। प्रलय में नष्ट हुई वस्तुओं के उद्धार के लिए विष्णु ने किस रूप को धारण करके मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और स्वयं सागर के तल पर बैठ गए थे? मत्स्य, कूर्म, वारा, कल्कि। तो क्या हो जाएगा, कौन सा अवतार धारण किए थे, ये कूर्म, कछुआ, कच्छप। आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक्स मी किसकी कलाकृति है, तो किसकी कलाकृति है साथियों, 115 देखिए, ये जो कलाकृति आपकी किसकी हो जाएगी, जोसेफ बोइज की। अगला, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर जो थे अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए हैं, तो माध्यम क्या था इनका, स्याही और फाउंटेन पेन से बनाए थे। रेड स्टूडियो किसकी पेंटिंग है, रेड स्टूडियो तो मातिस के थे। देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलेगा, तो ये आपका जोगीमारा गुफा से है देवदासी प्रथा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वस्तु शैली है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की जो वस्तु शैली थी कैसी थी साथियों, थे कलिंग समान थे। एसेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एसेटिक जो अम्ल है इसका प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है एसेटिक अम्ल का प्रयोग, चूना पत्थर की सफाई के लिए एसेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपियों के संशोधन के दौरान उभार आई अस्पष्ट आकृतियों से ली थी,
तो कौन इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए एक बार, 121 का तो यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? किससे की जाती है इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की तुलना? तो पाल किली से। चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ? चीन में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ था? 607 में। 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह नमक शहर की स्थापना किसने की थी? 124 तो किसने किया था? कुमाऊं ने। एंडलेस कालम, लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंडलेस कालम किसका विख्यात मूर्त शिल्प है? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, ब्रांकोसी या सर्वाडोर डाली की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कैसा लगा, और वीडियो को आप लाइक करेंगे। जो नए व्यूअर्स जो अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, हर नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा साथियों। और आपका लगभग इसी प्रकार से टेस्ट पेपर जो हम कराएंगे, लगभग 20 टेस्ट पेपर कराएंगे, हो सके तो इससे अधिक भी हो जाएगा। तो आप बने रहिए चैनल पे एक अलाइन के साथ, और तैयारी अपनी अच्छी तरीके से करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो 125 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ब्रंकोसी की, किसकी थी? ब्रंकोसी थी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।